ऐसी पर्ची ले लीजिए और इस पुस्तक के यहाँ पर चिपका दीजिए, इससे अच्छी दिखेगी। ऐसे ऐसी पन्ने की, सफ़ेद पन्ने की एक कागज़ की पट्टी काट लें, एक कागज़ काट लें और उस पर गोंद लगा के फिर चिपका दें ताकि दिखने में अच्छी लगे। ऐसे ऐसे करके यहाँ से चिपका दें, यहाँ से चिपका दें और दिखने में अच्छी लगेगी। ये चिपक गई। देखो अब सही दिख रही है, सही लग रही है। इधर भी चिपका दे इसे, इसकी गोंद लगा ले। और इसे चारों तरफ लगा लिया उंगली से ताकि सही से चिपक जाए। और फिर ऐसे चिपका दे यहाँ पर ताकि दिखने में अच्छी लगे, सुंदर लगे। ये देखो चिपक गई। इधर भी चिपक गई, इधर भी चिपक गई और सही लग रही है, अब सुंदर दिख रही है। अब इसके चिपकाते हैं। ये दादाजी की पुरानी किताब है जो फटी हुई थी, पेज उतले हुए थे इसके। इसको चिपका लिया मैंने। अब यहाँ पर सही करना है इसको, यहाँ पर ये कागज़ लगाना है, ऐसे ऐसा कागज़ लगाना है। तो लगाते हैं हम गोद लगा के। पहले ऐसे ऐसा कागज़ ले लो और फिर इस पर गोंद लगा लो। गोंद चारों ओर लगा लो अच्छी तरह से ताकि सही तरह से चिपक जाए। ऐसे और यहाँ पर लगा लो, ये दिख रहा है ना यहाँ पर। इसे इसे लगाने पर अच्छी दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी पुस्तक। ये देखो लगा दिया मैंने, अब अच्छी दिख रही है। ऐसे ऐसे आप भी लगा सकते हैं अगर आपकी पुस्तक फटी हुई है और उसे सही करना चाहते हैं तो। अच्छी बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इधर भी लगा देते हैं। ऐसी पर्ची ले लो कागज़ और उस पर गोंद लगा के अच्छी तरह से और चारों ओर लगा लो ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। ऐसे और इसे चिपका दो पुस्तक के यहाँ पर, सेट कर दो, चिपका दो। अच्छी दिखने लगेगी पुस्तक, सुंदर लगेगी। ये चिपका दिया है मैंने और अब सुंदर लग रही है, अच्छी दिख रही है।
ये देखो ये चिपक गई है और इधर भी चिपक गई है। और फिर इसके कवर चढ़ाऊंगा, कवर लगाऊंगा। अब देखो अच्छी बन गई है, ऐसे आप भी लगा सकते हैं।